हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। आज मैं दिखाऊंगी आप लोग घर पर ही कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल भापा हिल्सा बना सकते हैं। ये इसके लिए मैंने कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है जो नॉर्मली भापा हिल्सा में यूज़ नहीं किया जाता है। यही सब इंग्रेडिएंट्स इस डिश को बहुत टेस्टी बनाता है। तो वो सब इंग्रेडिएंट्स क्या है और कैसे आप घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल भापा हिल्सा बना सकते हैं, इस ये जानने के लिए इस रेसिपी को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 टुकड़ा हिल्सा फिश। इसको मैंने सरसों के तेल में फ्राई कर लिया है। अब बहुत ही कम फ्राई किया है, बस 1-2 मिनट के लिए। अब मैं उसमें मिला रही हूँ 4 टेबलस्पून फेटा हुआ खट्टा दही। अब स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच चीनी। चीनी बस दही की खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए मिला रही हूँ। 1 टीस्पून खसखस या पोस्तो पेस्ट, 1 टीस्पून सरसों का पेस्ट, 1 टीस्पून काजू पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च पेस्ट। अब 2 टेबलस्पून सरसों का तेल मिला रही हूँ। ये सरसों का तेल वही सरसों का तेल है जिसमें मैंने ये हिल्सा फिश फ्राई किया था। फ्रेंड्स, आप भी वही सरसों का तेल यूज़ करना, फ्रेश ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसी तेल के अंदर ये जो हिल्सा का जो फ्लेवर है वो सारा फ्लेवर इस तेल के अंदर ही है। अब मैं सारे मसालों के साथ ये फिश के टुकड़े को अच्छे से मिला रही हूँ। फ्रेंड्स, देख लीजिए, आप भी ऐसे ही अच्छे से मिला लेना। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 ठो हरी मिर्च। अब इसके बाद मैं इस टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन लगा रही हूँ। अब एक प्रेशर कुकर में 1 कप पानी डाल दिया। उसमें मैं रख रही हूँ एक स्टैंड। उस स्टैंड के ऊपर उस टिफ़िन बॉक्स को रख दे रही हूँ। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया और गैस को फुल फ्लेम में रख के 2 सीटी लगाना है। 2 सीटी के बाद गैस को ऑफ कर दीजिए और उस टिफ़िन बॉक्स को प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए रख दीजिए। 15 मिनट बाद प्रेशर कुकर को ओपन कीजिए, फिर टिफ़िन बॉक्स को निकालिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक पीस फिश मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। कैसा लगा फ्रेंड्स आज की रेसिपी? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलना।